हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जी के गाइडेंस एंड नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन, जो वुमेन का एब्सोल्यूट राइट है, उसके बारे में। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज की हमारी कोटेशन है, जॉय इज़ वॉट हैपन्स टू अस। जॉय जो हमारे साथ होता है, जब हम अलाउ करते हैं अवर सेल्फ टू रिकोगनाइज करने के लिए हाउ गुड थिंग्स रियली आर, कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आज के हमारे वन लाइन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स है, वो कौन कौन से आर्टिकल में आता है। इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया था अपना मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट अर्जेंटीना के बाद में, और टर्मिनेशन टर्म है वो कितने वीक के लिए बढ़ा दी गई है। इंडिया की रैंक कितनी है मेटरनल मोर्टलिटी में, और SDG 5 कितना है, क्या है, एंड वुमेन को किसकी कंसेंट चाहिए। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने पेरेंट्स लिख दिया। आप बताइए कि सेकंड वन किसकी है, कौन है जिसकी कंसेंट चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो अमेंडमेंट किया गया है अबॉर्शन लॉ के अंदर, वो रिटेन करता है नोशन किसका, स्टेट को अब भी इंटरवीन करने की ज़रूरत है किसके अंदर, वुमेन की एब्सोल्यूट राइट के अंदर। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। कोटेशंस हैं, आप कोटेशंस भी डाल भी सकते हैं आंसर के अंदर, और ना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते। कोई भी ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपको डालनी पड़ेगी। वुमेन को फंडामेंटल राइट है चूज़ करने के लिए, उसके खुद के लिए। ये किसके द्वारा कहा गया था, रूथ बैडन गिन्सबर्ग के द्वारा। सेकंड कोटेशन क्या है, काफ़ी बार लो लाए जाते हैं, स्टेप्स होते हैं इल हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें दूर करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है चेंज करने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स को, बिकॉज मैंटेलिटी है वो चेंज होने के लिए अभी तैयार नहीं है, जैसे कि डाउरी सिस्टम होता है। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, AK सिकरे के द्वारा। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है राइट टू इक्वालिटी Article 14 to 18 और राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी Article 21, लेकिन पैट्रियार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो हमें डिसाइड करने के लिए, जो वुमन को डिसाइड करने के लिए उसके बारे में या उसकी प्रेगनेंसी के बारे में राइट नहीं देती है। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट लाया गया था 1971 में अर्जेंटीना के बाद में। इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो लीगलाइज करेगी अबॉर्शन को, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है उसने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन उसमें स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो अभी भी है, इसका नोशन है। स्टेट की इंटरवेंशन क्या क्या हैं, वुमेन अकेले डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि उसे प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए उसे डॉक्टर की कंसेंट लेनी होगी, उसकी दया, मर्सी बोली जाती है, दया के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो इंक्रीज कर दिया गया है 20 to 24 weeks, लेकिन उसके बाद में कुछ ही वुमेंस को ये राइट मिलता है। सिंगल मेडिकल बोर्ड है वो जो डिसाइड करेगा अबॉर्शन के बारे में। वुमेन को कंसेंट लेनी होगी पेरेंट या गार्डियन की, अगर वो माइनर है तो। कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, ये वुमेन को ऑटोनॉमी और डिग्निटी प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये नीड बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है, ना कि वो चाहती है या नहीं चाहती है इसके फॉलो करें। वो प्रोवाइड नहीं करवाता है रिप्रोडक्टिव राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स हैं वुमेन के। इसके मेडिकल बोर्ड की डिसाइड करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वो डिले कर सकती है, जो कि इंक्रीज कर सकता है मैटरनल डेथ। ये फीमेल फोर्टिफिसाइड को भी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लोग लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और लड़की हो तो उसे टर्मिनेट करवा सकें। ये रिफ्यूज़ कर देता है वुमेन की राइट को जो सेफ अबॉर्शन का। अगर वुमेन को राइट नहीं दिया जाएगा कि वो सेफ टर्मिनेशन करवा सके, तो वो दूसरा रास्ता भी अपना सकती है जो कि अनसेफ होगा। रूरल वुमेंस हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए डॉक्टर्स या हॉस्पिटल से मीट कर पाना। प्राइवेसी कंसर्न है माइनर गर्ल के लिए, क्योंकि उसे कंसेंट लेनी होगी पेरेंट्स या गार्डियन की, उसके बिना उनको टर्मिनेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगी। लेक है, किस चीज़ की कमी है, इंटरसेक्शनैलिटी और सिलेक्टिव विजन को लिया गया है। इसके बेनिफिट क्या हैं, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं सेफ अबॉर्शन मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और टर्मिनेशन टर्म है वो इंक्रीज कर दी गई है 20 to 24 वीक्स है।
और मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेगा। इसके अंदर प्रोवाइडर बेस है उसे बढ़ाया गया है, जैसे कि रेप विक्टिम को भी इंक्लूड किया गया है। अनमैरिड वुमेन्स हैं उनको हेल्प करेगा और रिड्यूस कर सकता है मैटरनल मोर्टेलिटी को। वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन लॉ है वो मोर प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोवाइड करानी हो चाहिए वुमेन को ऑटोनोमी और उसकी खुद की चॉइस और नीड किस चीज़ की है फोकस करने की वुमेन के ह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। एवरीवन सभी को समझना होगा, वो गवर्नमेंट को, फैमिली को और डॉक्टर्स को समझना होगा कि वो उसे उसकी चॉइस के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हमें पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करना होगा। बाकी सारे जो अदर जेंडर्स होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं और भी जेंडर्स होते हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूजन क्या होगा, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हम अभी भी वुमेन को इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं उसके फ्रूट को, जो ह्यूमैनिटी का फ्रूट होता है उसे, जो कि एक हार्श रियलिटी है जिसे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि डिनाइल हो जाता है जब अबॉर्शन का, तो वो लीड करता है अनसेफ टर्मिनेशन को। नेचर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2015 में पेश की गई थी, उसके अंदर बताया गया था कि 78% अबॉर्शन है वो आउटसाइड होता है हेल्थ फैसिलिटी के लिए, हेल्थ फैसिलिटी से, जो कि अनसेफ होता है और कोज होता है डेथ का। और इंडिया इसमें 3rd रैंक पे है मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ्स में। अगर हम उसे ऑटोनोमी प्रोवाइड करवाते हैं तो हम उसको उसकी लाइफ को भी सेव कर पाएंगे और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 5 जेंडर इक्वलिटी, उसको भी कुछ हद तक अचीव कर पाएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14-18 में। क्या आप बता सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट अर्जेंटीना के बाद में, और मेडिकल टर्मिनेशन टर्म इंक्रीज कर दी गई है 22-24 वीक्स। इंडिया 3rd रैंक पे आता है मैटरनल मोर्टेलिटी में, और एसटीजी 5 है जेंडर इक्वलिटी। वुमेन को नीड होगी गार्डियन और पेरेंट की कंसेंट की। जय हिंद, जय भारत।